बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कुक। आज बनाएंगे गाजर का हलवा बिना खोए के और बिना गाजरों को कश किए। चाहिए वो है 2 किलो गाजर, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है छुरी से, नॉर्मल जैसे स्लाइस किया जाता है, ग्रेट नहीं किया है। ठीक है, 1.5 किलो दूध है, 1 कप चीनी, 1 कप खोया। खोया और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, खोया ना भी डालें तो कोई इशू नहीं। 1/2 कप घी और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक खुले पैन में डाल दी हैं गाजरें और इसमें चला जाएगा सारा का सारा दूध। कम फ्लेम ऑन कर देते हैं और जैसे ही बॉईल आएगा हम इसको चलाकर ढांक देंगे। हल्की आंच में इसे हमने पकाना है यहाँ तक कि गाजरें गल जाएं और दूध सारा खुश्क हो जाए। दूध में यहाँ बॉईल आ रहा है, इसको चला देते हैं ताकि नीचे ना लगे। इस रेसिपी में दूध रिड्यूस होकर खुद ही खोए का इफेक्ट देगा, इसलिए मैंने कहा था खोया ऑप्शनल है। इसको अब हम आंच हल्की कर देंगे और ढक्कन ढाल देंगे। ये हो गया कवर। इसको हमने हर 5 मिनट 10 मिनट बाद चेक करना है और चम्मच चलाना है ताकि नीचे ये जले। यहाँ गाजरें गल चुकी हैं, दूध को अब ड्राई कर लेते हैं और चमचे से गाजरों को इस तरह से मैश कर देते हैं। ठीक है, जब तक दूध ड्राई होगा तब तक गाजरें अच्छे से मैश हो जाएंगी और फिर हम लोग इसकी भुनाई कर लेंगे। दूध इसमें बहुत थोड़ा सा रह गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। 1 कप चीनी डाल दी है। गाजरें भी कभी फीकी होती हैं कभी मीठी, तो आप चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम मैश करते जाएंगे और चीनी का पानी भी सुखा लेंगे। यहाँ पे आप घोटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लीजिए। ईजिली ये बहुत आसानी से घुट जाएंगी और बेहतरीन हलवा आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए चीनी का पानी की कदरे सूख चुका है, इसमें अब डाल देते हैं घी और इलायची और तेज़ आंच पे अब इसको भून लेते हैं। हियर गोज घी। पाउडर। अच्छा, ये वाला जो हलवा है ये थोड़ा मिल्कियर वर्जन है, इसमें दूध का इस्तेमाल ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं वो ब्राइट रेड वाला जो होता है वो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें दूध नहीं डलता है। उसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वो भी बनाना बहुत आसान है लेकिन उसमें आपको गाजरें ग्रेट करनी पड़ेंगी। बाय ऑल मीन्स आप इस तरह भी बिना दूध के गाजरों को गला के मैश कर सकते हैं, बट दिस हलवा इज़ मोर मिल्कियर देन दैट वन। इसमें मैं खोए का इस्तेमाल कम करूँगी बिकॉज ऑलरेडी 1.5 किलो दूध इसमें जा चुका है जो ड्राई होके बिल्कुल खोए का टेस्ट देगा, तो इसमें होगा खोए का इस्तेमाल कम। वेयर एज अगर आप रेड वाला जो बिना दूध वाला हलवा है वो बनाएंगे तो उसमें आप खोया ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, भूनते हैं इसको जब तक ये ड्राई हो जाता है और मिलते हैं। देखिए हलवा यहाँ भून चुका है, इसका सारा लिक्विड इवेपोरेट हो चुका है, घी आपको साइड में नज़र आएगा, घी ऊपर आ गया है। इसका चूल्हा कर देते हैं ऑफ और ठंडा होने के बाद आप इसमें खोया डालेंगे, उससे पहले नहीं डालेंगे वरना खोया मेल्ट होकर इसमें मिक्स हो जाएगा। ठंडा होने पे खोए और नट्स के साथ इसे गार्निश करते हैं और सर्व करते हैं इस मज़ेदार हलवे को। हलवा इज़ रेडी टू सर्व। देखिए बिना कद्दूकश किए कितना ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।